पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वांग्मय में कहा गया है, अनेक चित्ते खलु अयम पुरुषे, यह पुरुष अनेक चित्तों वाला होता है। हम आदमी पर ध्यान दें, आदमी के भावों में भी परिवर्तन भी हो जाता है। कभी आदमी शांत बैठा हुआ दिखाई देता है तो कभी उसी आदमी को आक्रोश में, उत्तेजना में, गुस्से में बोलते हुए भी वह देखने को मिल जाता है। कभी आदमी को विनयपूर्ण व्यवहार करते हुए देखा जाता है तो कभी उसमें अहंकार का नाग भी फुफकारने लग सकता है। कभी आदमी सरल ऋजु प्रतीत होता है, उसमें ऋजुता के भाव होते हैं, तो कभी वह कौटिल्य युक्त भी बन सकता है। कभी आदमी संतोष की बात करते हुए मिलता है तो कभी वह लोभ की वृत्ति से आकुल व्याकुल भी देखने को मिल सकता है। कभी वह अहिंसा में है तो कभी हिंसा की बात भी वह करने लग सकता है। यों अनेक प्रकार के विरोधी स्वभाव या वृत्तियां भी आदमी में उजागर हो जाती हैं। धर्म का संदेश है कि हमारी दुर्वृत्तियां, कसाय, राग, द्वेष, ये भाव कमजोर पड़े, क्षीण हों, और सद्वृत्तियां, संतोष, क्षमा, समता, ये भाव हमारे पुष्ट हों। धर्म की साधना यह है कि अशुभ भावों को कमजोर करना और शुद्ध भावों, शुभ भावों को पुष्ट रखना, पुष्ट करना। हमारे भीतर के परिणाम भाव जैसे होते हैं, हमारा फिर व्यवहार भी वैसा ही बन सकता है। कुएं में पानी जैसा है, डोल को डालेंगे, जैसा पानी कुएं में होगा वो डोल में आएगा। कुंड में जैसा पानी है, डोल को डालेंगे तो बाल्टी में वो पानी आ जाएगा। तो हम भीतर के अपने भावों को अच्छा रखें, उसके लिए यह धर्म की साधना आराधना का महत्व है। आदमी भगवत भक्ति करे, अच्छी बात है वो भी, साथ में वो इंसान से, प्राणियों से भी मैत्री भाव रखे। मान लो ईश्वर का, भगवान का नाम भी लेता है, वो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है भक्ति से भाव ले, नाम लेना, साथ में इंसान से भी उसका प्रेम मैत्री भाव है या नहीं। क्या करेगा प्यार वह ईमान से, क्या करेगा प्यार वह ईमान से, क्या करेगा प्यार वह भगवान से, जन्म लेकर गोद में इंसान की, जन्म लेकर गोद में इंसान की, कर सकान प्यार जो इंसान से, कर सकान प्यार जो इंसान से। तो इंसान से लड़ाई झगड़ा हिंसा है, इसका मतलब भीतर के भाव उसके कैसे हैं। तो हमारे भाव अच्छे रहें, मैत्री भाव वाला स्वभाव हमारा रहे, मैत्री का प्रभाव हमारे भीतर में रहे,
कि सबके साथ मैत्री, मिट्टी में सब भूवेशु, सर्व भूतों के प्रति, सभी प्राणियों के प्रति अहिंसा का भाव और मैत्री का भाव रहे। हमारी अनुव्रत यात्रा चल रही है। परम पूज्य आचार्य तुलसी ने जो अनुव्रत आंदोलन चलाया था, बढ़ाया था, उसका 75वां वर्ष अभी वर्तमान है। अनुव्रत अमृत महोत्सव वर्ष रूप में है। तो अनुव्रत, छोटे छोटे व्रत नियम, अच्छे अच्छे नियम जीवन में आ जाएं, तो उन्हीं में ये अहिंसा की भी बात है। अनुव्रत गीत में भी कहा गया, मैत्री भाव हमारा सबसे प्रतिदिन बढ़ता जाए, समता सह अस्तित्व समन्वय नीति सफलता, शुद्ध साध्य के लिए नियोजित मात्र शुद्ध साधन हो, संयममय जीवन हो, नैतिकता की सुर सरिता में जन जन पावन हो, संयममय जीवन। तो मैत्री भाव सबके प्रति, कि वसुधैव कुटुंबकम, यह पूरी वसुधा परिवार है, हर प्राणी में आत्मा है, चैतन्य है। तो सब्बे जीवावि इच्छन्ति जीवि नमृद्धि सब जीव जीना चाहते हैं, कोई मरना नहीं चाहता। तो मैं किसी को दुष्प्रयास के द्वारा मारूं क्यों किसी को? सब जीना चाहते हैं, मैं भी जीना चाहता हूँ। तो दूसरों के जीवन के प्रति भी मैं अहिंसा, अनुकंपा और मैत्री का भाव रखूं। यह धर्म का संदेश है। यह सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति, ये कुछ ऐसे सूत्र हैं जिनसे आदमी, अच्छा आदमी रह सकता है। सबके प्रति सद्भावना, कार्य में नैतिकता, ईमानदारी और यह नशा मुक्ति, शराब, सिगरेट, बीड़ी, खैनी, गुटखा आदि नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना। इस प्रकार के छोटे छोटे नियम जीवन में आते हैं तो आदमी का जीवन अच्छा रह सकता है। तो मैत्री, सद्भावना, वो सज्जन धनाढ्य व्यक्ति जा रहा था, रास्ते में एक भिखमंगा मिल गया। भिखमंगा, उसके हाथ ऐसे होते हैं, हाथ की संस्कृत में कहा गया, दाता और याचक में क्या अंतर है? तो संस्कृत का वो कथन है, दात्री याचक योर भेद है, कराभ्यामेव सूचित है, कि दाता कौन, याचक कौन। हाथ की मुद्रा देख लो, हाथ यों है तो याचक है, हाथ यों है तो दाता है। लो और लाओ। एक वो गांव में थोड़ा एक कंजूस टाइप का आदमी था, धन से मोह बहुत था, कंजूस था, बस लाओ लाओ बटोरना, और मिले और मिले, यह चेतना थी परिग्रह की, मोह भी था संपत्ति के प्रति। तो एक बार वह सवेरे थोड़ा अंधेरा था, तब यूं जा रहा था, तो कोई वो नगर में काम हो रहा था, वो नाले आदि का कोई गड्ढा खुदा हुआ था, तो एक थोड़ा गहरा गड्ढा था, तो वो थोड़ा अंधेरा था और कुछ ध्यान नहीं रहा, वो आदमी गड्ढे में गिर गया। अब निकलना मुश्किल हो गया, तो अब क्या करें।
थोड़ी उसने आवाज़ दे रही, निकालो कोई, निकालो निकालो निकालो। तो एक दो आदमी कोई जा रहे थे, सारे कोई लगता है आदमी गिर गया है, देखा थोड़ा गड्ढा तो गहरा है, कर फिर भी चेष्टा करते हैं हाथ खींच के कैसे। तो वो जो आए निकालने के लिए कि वो बोले लाओ लाओ, यानी हाथ लाओ 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 हाथ, तो वो हाथ ऊंचा नहीं करता, कभी लाओ लाओ हाथ ऊंचा नहीं करता। इतने में वो एक उसके पड़ोस का कोई आदमी आ गया, क्या बात हुई, वो तुम्हें तुम्हारा पड़ोसी गिर गया लगता है, हमने दो तीन बार कर दिया लाओ लाओ हाथ, हाथ ऊंचा ही नहीं करता है, कह नहीं मैं आता हूँ मैं आता हूँ। वो गया कह लो लो लो, इतना हाथ ऊंचा कर दिया उसने, तो वो लाओ लाओ की भाषा नहीं लो की भाषा जानता, हेलो। तो वो एक यानी आदमी में वो एक भावना बन जाती है। खैर यह तो एक बताने की सी बात हो सकती है, मूल बात है कि आदमी में संग्रह परिग्रह की चेतना कितनी है, अनाशक्ति की चेतना कितनी है। तो यह अनुव्रत की जो बात है, चित्त शुद्धि की बात, कि चेतना शुद्ध रहे, भाव हमारे शुद्ध रहे, शुद्ध भाव रहे, अशुद्ध भावों से, अशुद्ध परिणामों से, अशुद्ध विचारों से हम बचे। सादा जीवन उच्च विचार, मानव जीवन का श्रृंगार, कि मानव जीवन है जीवन सादा, सिंप्लिसिटी, सादगी पूर्ण, ये ऐश आराम दिखावा प्रदर्शन इनमें ज़्यादा रुचि नहीं, जीवन में सादगी। कपड़े कितने बढ़िया पहरे हैं, शरीर ठीक है, गंदगी नहरे यहाँ तक तो मान लें, और कितना मैं फूठरा दिखूँ अच्छा दिखूँ, एक तो यह चिंतन, एक भी शरीर है वैसा काम जिंदगी में अच्छा करें, कार्य अच्छा होना चाहिए, काय तो है वैसी है, कार्य अच्छा होना चाहिए। तो कार्य जीवन में अच्छे करते चलो, अहिंसा अध्यात्म के अच्छे कार्य करते चलो, काय है वैसा है ठीक है, काय स्वस्थ रहे वो तो ठीक है, बाकी कितना फूटरा कितना बढ़िया है वैसा है, अपना काम अच्छे करते रहो। तो कार्य और काय, काय है वैसी है, चेहरा आपका हमारा है वैसा है, अच्छा है तो ठीक है, कम अच्छा है तो ठीक, कार्य अच्छे करते रहो। कार्य अच्छे करते रहेंगे तो काय कितना फूटरा वो बात गौण हो जाएगी, हमारे कार्य सामने आएंगे। तो चित्त हमारा शुद्ध रहे, भाव शुद्ध रहे और व्यवहार शुद्ध रहे, जीवन में अध्यात्म अहिंसा के अच्छे कार्य करते चलें, और दूसरों को भी मिला तेरी जोड़ो, हमारे साथ आओ हम तुम्हारे साथ आए, काम अच्छे करें, या तुम अपना काम हम अपना काम करो, पर काम अच्छे करते रहो, कैसे ही करो, कहीं पर भी करो, कभी भी करो, कार्य जीवन में अच्छे करो, जिनमें अहिंसा संयम तप अध्यात्म ये चीजें सन्निहित हो। तो अनुव्रत जो संयम की बात बताता है, जहां संयम है अहिंसा है तो वहां चेतना की शुद्धि, चित्त शुद्धि की बात हो सकती है, ईमानदारी का भाव रहे, किसी के साथ व्यवहार करें कि किसी को हम जानबूझकर धोखा न दें, बस है वैसी बात साफ है, धोखा किसी को नहीं देना, ओनेस्टी, ओनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। तो हम अपने व्यवहार में अपने जीवन में ईमानदारी रखें, अहिंसा रखें, संयम रखें, तप करें, तो फिर यह हमारा चित्त है, मन है, वो भी शुद्धि की दिशा में आगे बढ़ सकेगा, और हो सके उतना दूसरों का परोपकार, कल्याण का काम करें, किसी का अपकार, किसी को दुख पहुंचाने का काम न करें। संस्कृत का कथन है, परोपकार पुण्याय पापाय पर पीड़नम, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्, परोपकार पुण्याय पापाय पर पीड़नम, परोपकार पर कल्याण पुण्यकारी होता है, दूसरों को कष्ट पहुंचाना पाप बंद के लिए होता है। तो चित्त शुद्धि रहे,
परस्य पीड़ा न कायब्बा, दूसरे को पीड़ा पहुंचाना, दुख देना यह आदमी का लक्ष्य न बने, यह आदमी का दुष्प्रयास न हो। हो सके तो किसी का आध्यात्मिक कल्याण करने का प्रयास करें, किसी को शांति पहुंचाएं, शांति दें, शुद्ध शांति दें, यह काम करते रहें तो हमारी चेतना शुद्ध रह सकेगी और हमें भी शांति मिल सकेगी, समाधि मिल सकेगी। खुद को शांति चाहिए तो दूसरों को अशांति मत पहुंचाओ, दूसरों को भी आध्यात्मिक चित्त समाधि शांति पहुंचाने का प्रयास करें। दूसरों को जो आध्यात्मिक शांति पहुंचाने का प्रयास करता है वह खुद के लिए शांति तैयार कर लेता है। जो दूसरों का बुरा सोचता है, दूसरों का बुरा करता है, वो खुद का बुरा, खुद का अहित तैयार कर लेता है। तो कर भला होत भला, कर बुरा होत बुरा। भला आध्यात्मिक हित करो तो हमारा भी हित होगा। कोई दूसरों का बुरा सोचता है, बुरा करता है, वह अपने लिए भी बुरा, बुरी स्थिति, अशांति, दुख मानो तैयार कर लेता है, कर सकता है। तो चित्त शुद्धि रहे। हमारे यहाँ छह लेश्या की बात भी आती है, कृष्ण लेश्या, नील लेश्या, कापोत लेश्या, तेजो लेश्या, पद्म लेश्या, शुक्ल लेश्या। पहली तीन लेश्या हैं कृष्ण, नील, कापोत, ये अधर्म लेश्या। अगली तीन लेश्या हैं वो धर्म लेश्या हैं। पहली तीन अशुभ लेश्या, अगली तीन शुभ लेश्या है। तो शुभ लेश्या, शुभ परिणामों में हम रहने का प्रयास करें। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी परीक्षा ध्यान करते थे। आज मैं कमरे में बैठा था तो वहाँ कमरे में ये जो बच्चों के लिए अक्षर माला ये जो होती है तो वो मुझे बताया गया, फिर मैंने भी देखा जैसे ये अक्षर गुजराती में है तो ये को बताने के लिए यति, यति के लिए आचार्य महाप्रज्ञ जी का फोटो दिया हुआ है। जो विद्यालय में लगता है विद्यार्थियों को अक्षर सिखाने का जो होता है तो उसमें ये अक्षर दिए हुए हैं, तो उसमें जहाँ ये में यति आचार्य महाप्रज्ञ जी का फोटो, तो अच्छा है गुरुदेव का फोटो। मानो गुरुदेव ने वो गुजरात में यात्रा की थी, उस यात्रा का कुछ प्रभाव कोई पड़ा होगा। अहिंसा यात्रा हुई थी और अहिंसा यात्रा भी थोड़ी एक मौके पर हुई थी, जब थोड़ी अशांति की बात थी तब अहिंसा यात्रा हुई थी। हो सकता है गुरुदेव का प्रभाव वो अहिंसा यात्रा का जो भी, तो गुरुदेव का यह फोटो देखा। तो परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी जिन्होंने अहिंसा यात्रा की थी और वे अहिंसा, मैत्री, सद्भावना या नैतिकता की बात बताते थे, गुरुदेव तुलसी ने अनुव्रत के माध्यम से, फिर आचार्य महाप्रज्ञ जी ने भी अनुव्रत कह दो, अहिंसा यात्रा कह दो, प्रेक्षा ध्यान, यानी जो प्रेक्षा ध्यान में भी शुद्धि की बात है, चित्त शुद्धि, चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग। तो आत्मा अच्छी रहे, चित्त शुद्ध रहे, प्रियता अप्रियता के भावों से मुक्त रहते हुए समता शांति में रहने का प्रयास हो। तो यह अनुव्रत की बात है, चित्त शुद्धि की बात है, धर्म शास्त्रों का सार है, धर्म का सार है चित्त शुद्ध रहे, मैत्री, अहिंसा, संयम, संवर, निर्जरा, ये सब चीज़ें हों तो यह चित्त शुद्धि की बात हो सकती है। तो हमारे जीवन में सादगी रहे, सादा जीवन, विचार ऊंचे, अच्छे विचार रहें। कपड़े ठीक है, बहुत बढ़िया कीमती कपड़े नहीं भी हों, साधारण से कपड़े हैं, साधारण कपड़ों में भी कोई महान व्यक्तित्व छिपा हुआ हो सकता है। साधारण वेशभूषा है, कोई महान व्यक्तित्व विराजमान हो सकता है। आचार्य तुलसी, आचार्य महाप्रज्ञ जी कौन से वो गहने पहनते थे, कौन से बढ़िया कोई सूट को कपड़े पहनते थे, स,
सफ़ेद कपड़े, सामान्य साधु के कपड़े, सामान्य वेशभूषा में भी कोई महान व्यक्तित्व विराजमान हो सकता है। तो कपड़े बढ़िया, ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट रुचि है वो ठीक है, गंदगी तो नहरे यहाँ तक तो ठीक है, बाकी सामान्य भले कम कीमती कपड़े हैं, ज़्यादा मूल्यवान नहीं है। कपड़े आखिर क्यों पहनना? शरीर को ढकने के लिए, सर्दी से बचने के लिए, लज्जा निवारण के लिए कपड़े पहनना वो काम हो रहा है, और कितने कपड़ियाँ कीमती कितने बढ़िया लगे वो कोई खास बात नहीं होती है। तो क्लोथ्स, कपड़े, एक तो कपड़े से आदमी का व्यक्तित्व, एक चरित्र से, ज्ञान से, गुणों से, योग्यता से आदमी का व्यक्तित्व हो तो हमारा व्यक्तित्व उभरे वो योग्यता से, गुणों से उभरे। कपड़े तो ठीक है, एक अपेक्षा की पूर्ति है, इसलिए कपड़े पहनना होता है, ताकि कपड़ों में, गहनों में, बाह्य चीज़ों में हमारा ज़्यादा आकर्षण न हो। वे तो अपेक्षा से उपयोगिता उस काम में लेने होते हैं, मूल चीज़ हम सेवा कितनी करते हैं, आध्यात्मिक सेवा, हमारे में ज्ञान दर्शन चारित्र तप वो कितने हैं, और हम कैसे अच्छा वक्तृत्व, अच्छा भाषण आदि कर सकें, अच्छा ज्ञान दूसरों को भी दे सकें, वो हमारी विशेषताएं पुष्ट होनी चाहिए। तो ये गुण अच्छे हैं, बाकी जिंदगी में सादगी, बस सादे कपड़े, सादी वेशभूषा में भी बस काम अच्छा करें। कितना बढ़िया मकान है वो बड़ी बात नहीं है, मकान रहने के लिए चाहिए, सामान्य से मकान में भी तो आदमी सो सकता है, रह सकता है, बैठ सकता है, बहुत बढ़िया मकान नहीं है तो क्या खास बात है। अब बहुत बढ़िया मकान चाहिए तो आप तो भी बढ़िया मकान बनाया, उसमें जो पैसा लगाया वो पैसा कैसा था, वो पैसा शुद्ध पैसा था, कहीं ऐसे वैसे पैसा इकट्ठा किया हुआ था? तो ऐसे वैसे जैसे तैसे पैसा इकट्ठा किया, बढ़िया मकान बना लिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई? पैसा अशुद्ध नहीं, न्याय नीति से अर्जित पैसा, मकान सामान्य सा है कोई बात नहीं, पैसा आपने अशुद्ध काम में नहीं लिया वो बड़ी बात है। बढ़िया बंगला इतनी बड़ी बात नहीं, अशुद्ध पैसा नहीं रखा वो अच्छी बात, विशेष बड़ी बात हो जाती है। तो ये अनुव्रत की बात, चित्त शुद्धि की बात, कि जीवन में सादगी, जीवन सादार, अच्छे काम करते चलो, करते चलो, अच्छे काम जिंदगी में करते चलो, दूसरों की आध्यात्मिक सेवा जो हो सके वो भी करते रहो, तो यों जीवन हमारा बीते, खुद का कल्याण और दूसरों का जितना कर सके सेवा दान दे सके अध्यात्म के क्षेत्र में वो करते रहें, ऐसा हमारा जीवन रहे। पैसा तो ठीक, आप गृहस्थ हैं, आपको पैसा भी चाहिए, मान लें गृहस्थों को तो पैसा, पर पैसे में भी सादगी, पैसे में सादगी कैसे, कि पैसे में अशुद्धता न हो, पैसे में छल कपट दाव पेंच उससे कमाया हुआ पैसा न हो, तो पैसे में भी सादगी, जीवन में भी सादगी, आपके पैसे में भी सादगी, बर्बादगी न हो पैसे की, पैसे में सादगी रहे उसका दुरुपयोग भी न हो। तो ये सब विचार, अच्छे विचार हमारे जीवन में रहें, हमारा जीवन अच्छा रहे, तो चित्त शुद्धि का हमारा लक्ष्य रहे, प्रयास रहे, यह काम्य है। दानान सिठम अभय पयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेणाय पुत्ते।